हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 11। राइट, क्या है एफएक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट इसका डेरिवेटिव इतना है। ओके, जब मैंने आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करवाया था, तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप प्ले लिस्ट में जा कर के इसको देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। बाय द वे, फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक, देखिए, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इफ वी मल्टीप्लाइड एक्स एंड वाई, सो ये आएगा क्या, अंडर रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। क्लियर, यहां से एक्स वाई आएगा। अब यहां से देखिए, अंडर रूट ए रेस टू द पावर साइन टी है, ए रेस टू द पावर अंडर रूट कॉस टी है, इसको क्या हम एक साथ नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बेस सेम है, एक साथ कर दिया तो ए इज इक्वल टू साइन वर्स टी, बेस सेम, पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ऑलराइट, तो साइन वर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी ये ऐड हो गया, और मैंने आपको एक फॉर्म वो पढ़ा रखा है, एक टेबल पढ़ा रखी है, एक वीडियो पढ़ा था जिसमें कैलकुलस के सभी फॉर्मूलाज मेंशन थे। उसमें क्या था, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू, मैंने आपको दिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 1 के इक्वल, पाई बाई टू के, सॉरी, तो इसकी प्लेस पे हम पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू द पावर पाई बाई टू, और ये टर्म अब क्या हो गया, पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ वॉट एक्स इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव किसका होगा, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव हमारा इसका होगा, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ से हम लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y और dx d ओवर dx ऑफ x का वन डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, y को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो dy वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस का y, और ये x उसके साथ था, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही आपको शो करना था। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट।